नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका AKTM एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 का रिजल्ट आ चुका है, आपके कितने नंबर आए हैं, साथ में आपकी कितनी रैंक बनी है, ये सारी जानकारी आपको पता लग चुकी होगी। अब आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आए हैं या मेरी इतनी रैंक आई है तो क्या मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा या नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टॉप के 5, टॉप के 10, टॉप के 20 गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे। साथ ही अगर आपके नंबर बहुत ही ज़्यादा कम है तो आपको क्या करना चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे कि टॉप के 5 गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन लेने के लिए कितना नंबर या कितनी रैंक यहाँ पर आपको लानी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है टॉप के 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज कौन से हैं, उनके ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको टॉप 10 के बारे में भी मैं बता दूंगा। तो अगर आपको टॉप के 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक 2000 के अंदर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, अगर आपकी रैंक 2000 के अंदर है तो आपको टॉप के 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। हालांकि अगर आपकी रैंक 2500 या 3000 तक रहेगी फिर भी आपको टॉप 5 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। काउंसलिंग में कौन कौन सी ट्रिक्स आपको यूज करनी है ये मैं आपको बताऊंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, साथ ही हमारे वीडियोज को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी करना है। अब अगर बात करें टॉप 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बारे में तो इसके लिए आपको कम से कम 5000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। अगर आपकी रैंक 5000 के अंदर है या 6-7000 के अंदर है तो आपको टॉप के 10 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे टॉप के 15 अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर आपको एडमिशन लेना है, यानी कि टॉप के 15 जो आपकी कॉलेज आते हैं उनमें से किसी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 10000 के अंदर रैंक लानी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी रैंक 10000 के अंदर आती है तो आपको टॉप के 15 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा 10 के अलावा अगर आपकी 12 तक आएगी फिर भी आपको जहाँ तक एडमिशन है मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको टॉप के 20 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपकी रैंक कम से कम 15000 होनी चाहिए। इसके अगर आपकी रैंक 15, 16, 17, 18 हजार तक रहेगी फिर भी आपको टॉप 20 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। तो यहां पर आपको मैं एक एवरेज रैंक बता रहा हूं कि किस रैंक तक के स्टूडेंट को कहां तक का कॉलेज आपका मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर आपको कम जिनकी रैंक आई है या जिनके कम नंबर आए हैं उनको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिसमें अगर आपके कम नंबर आएंगे फिर भी आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके ज़्यादा नंबर आते हैं उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। ये सब डिपेंड करता है कि आपने काउंसलिंग किस तरीके से की है, तो काउंसलिंग तक आपको वीडियोज़ को जरूर देखना है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी रैंक थोड़ी ज़्यादा आई है या जिनके नंबर थोड़े कम यहाँ पर आए हुए थे। तो यहाँ पर मैं आपकी बात करूँ कि अगर आपकी रैंक 50000 के अंदर यहाँ पे आ जाती है, यानी कि लगभग आपकी 40, 45, 50000 के रैंक अगर आपकी अंदर तक आ जाती है तो आपको एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा। टॉप के 20 में तो नहीं मिल पाएगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है, लेकिन एक अच्छा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर मिल जाएगा। हालांकि जिनकी रैंक 20000, 25000, 30000 तक आई है उनको टॉप के 20 कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, लेकिन वो कैसे मिलेगा वो आने वाले वीडियोज़ मैं आपको बता दूंगा, जो कि ट्रिक्स आपको अपनानी चाहिए। साथ ही अगर आपकी रैंक 1 लाख तक आ गई है, जी हां दोस्तों, अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो आपको एक लो लेवल का गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलने पर आपको काफी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, तो अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर लो लेवल का रहेगा फिर भी कोई बात नहीं है, थोड़ी आपको मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको गवर्नमेंट कॉलेज जरूर मिल जाएगा 1 लाख तक अगर आपकी रैंक आई हुई है तो। अब दोस्तों जिन लोगों के कम नंबर आए हैं उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको काउंसलिंग के दौरान कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिनमें अगर आपके नंबर कम रहेंगे फिर भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल सकता है। अगर आप सही से काउंसलिंग करवाएंगे, सही से कॉलेज को फिल करेंगे, सही से कॉलेज को लॉक करेंगे तो अच्छा कॉलेज आपको भी मिल सकता है।